अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और न्यूज़ के लिए कैलिब्रेशन सीखने जा रहे हैं। इसमें मसला क्या आ रहा है कि आप ये देख सकते हैं कि 5 केजी का हमने डेड वेट रखा है, लेकिन ये 5 केजी 4 ग्राम इस तरह कुछ ग्राम ऊपर बता रहा है हमें। तो आज हम इसकी कैलिब्रेशन करेंगे और उसके अलावा हम इसमें सीखेंगे कि इसकी डिवीज़न, इसके डेसिमल पॉइंट, इसकी कैपेसिटी, अनलोड कैलिब्रेशन, ये कम्प्लीट सारा कुछ हम इसमें आज सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले मैं आप लोगों को ये कहता चलूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। इससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। तो चलें दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि डेड वेट को प्लेटफॉर्म के ऊपर से हटा देना है। उसके बाद हमने इसका पासवर्ड टाइप करना है। ये आप देख लें, ये इस टाइम ऑन है। हमने सबसे पहले इसका पासवर्ड टाइप करेंगे। इसका पासवर्ड है 3658 tier 1 tier। यहाँ पे कॉल 2 शो हो जाएगा। जब कॉल 2 शो होगा तो हमने 5 kg के डेड वेट को प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देना है। ये आप देख सकते हैं कि 5 kg का डेड वेट है, इसको हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया है। उसके बाद हमने टीयर के बटन को प्रेस करना है, 3 शो होगा। यहाँ पर हमने डेड वेट की वैल्यू को लिख देना है। हमारे पास टाइम 5 kg का डेड वेट है तो हमने 5.000 ये लिख देंगे। उसके बाद हमने, मेरी कॉल आ रही है बेटा, 5 kg के यहाँ पर हमने 5 kg लिख दिया। उसके बाद हमने टीयर के बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर उसकी हमने टोटल कैपेसिटी लिख देनी है। टोटल कैपेसिटी इसकी 40 kg है तो 40.000 ये हम लिख देंगे। उसके बाद हमने दोबारा टीयर के बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने 3 लिख के टीयर के बटन को प्रेस कर देंगे और यहाँ पर हम 2 लिख के टीयर के बटन को प्रेस कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई है। ये नीचे हम हटाते हैं तो, और ऊपर भी हम रख रहे हैं तो ये हमारा वज़न जो है बिल्कुल ठीक बता रहा है। ऊपर असल में फ़ैन चल रहा है इस टाइम, ये 5 kg पूरा इस टाइम हमें बता रहा है। ये 2 ग्राम की उसकी डिवीज़न है तो इसके लिए 2 प्लस माइनस कर रहा है, लेकिन ये 5 हमें पूरा बता रहा है। अगर हम डेड वेट को प्लेटफॉर्म से हटाते हैं तो फिर भी ये बिल्कुल स्टेबल है। उसके अलावा इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो है ये लाइट की ऑप्शन है। ये लाइट हम लो कर सकते हैं, लाइट तेज़ कर सकते हैं। ये लो हो गई, P3 में ये फुल डार्क हो जाएगी। उसके अलावा इसमें टीयर का फंक्शन जो है वो है कि फर्ज करें हम कोई भी डेड वेट ऊपर रखते हैं और इसको हम टीयर करना चाहते हैं तो अभी देखें 5 kg हमने कैलिब्रेशन की थी, ये 5 kg हमें पूरा सही बता रहा है। तो अगर हम इसको टीयर प्रेस कर देंगे हम तो इसको वो 0 कर देगा और उसके ऊपर जो हम चीज़ जो करेंगे उस चीज़ का ये हमें वज़न बताएगा। जैसे इस चीज़ का हमें वज़न ये बता रहा है, लेकिन ये चीज़ टाइम टेयर हो चुकी है। उसके अलावा इसमें ये कैंसिल किया यानी ऑप्शन है। ये मैं आपको डेड वेट पहले नीचे उतार दूं, इसको हम दोबारा टेयर कर देते हैं। टेयर के फंक्शन का आपको पता लग गया है। उसके बाद इसमें प्राइस कंप्यूटिंग स्केल है। जैसे हमें कोई चीज़ 4 रुपये किलो है तो हमने 100 लिख देंगे और जो भी आगे है ये इसकी टोटल प्राइस बता देगा। टोटल प्राइस ये है, यूनिट प्राइस जो है ये यूनिट प्राइस हो गई और ये वेट ये शो कर रहा है। वेट इसका 150 ग्राम है, यूनिट प्राइस इसकी 100 है और टोटल प्राइस इसकी 14.8 यानी 15 रुपये इसकी टोटल प्राइस बन जाती है। उसके अलावा इसको अगर हमने कैंसिल करना है, सी के बटन से हम कैंसिल कर सकते हैं और ये प्राइस को अगर हम मेमोरी 1, 2, 3 में सेव करना चाहते हैं वो इसमें सेव कर देते हैं और ये स्टोर का इसका बटन है। ये आप देख सकते हैं STORE, ये और ये मेमोरी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये कैंसिल है। जो हम प्राइस लिखेंगे उसे हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। ये टीयर है, ये 0 का बटन है। अगर वज़न कोई ऊपर नीचे हो जाता है तो इसे हमने 0 करना है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार इस वीडियो को लाइक करके दीजिएगा और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।